हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एसी बनाने वाली दो इंडियन ब्रांड्स के विंडो एसी के बारे में बताने वाला हूं, जिससे कि अगर आप एक अच्छा विंडो एसी लेना चाहते हैं तो आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाए और आपको पता चल जाए कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा एसी आपको ख़रीदनी चाहिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हमेशा की तरह छोटी सी अपील कि अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने जो दो एसी ब्रांड्स लिए हैं उनमें से एक है वोल्टास और दूसरा है ब्लू स्टार। फ्रेंड्स, एसी के दोनों ही ब्रांड्स काफ़ी अच्छे हैं और इनकी आफ्टर सेल सर्विस भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेटर है आगे वीडियो में जानते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं वोल्टास के विंडो एसी की। तो दोस्तों, अगर आप वोल्टास का एसी लेना चाहते हैं तो वोल्टास का 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर विंडो एसी 2022 का मॉडल ले सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो वोल्टास के पास विंडो एसी की लंबी लिस्ट है, लेकिन जो मैं मॉडल बता रहा हूँ उस एसी का परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है। इस एसी में वेरिएबल स्पीड पर चलने वाला रोटरी इन्वर्टर कंप्रेसर मिलता है, जिसको 2 स्टेप में एडजस्ट भी किया जा सकता है, जिसकी हेल्प से आप एसी के कूलिंग को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यह एसी 50 डिग्री सेंटीग्रेड के एम्बियंट पर भी इजिली वर्क करता है। इस एसी के दोनों कॉइल्स 100% कॉपर के हैं। यह 5 स्टार एनर्जी रेटिंग वाला एसी है और इसकी आइसर वैल्यू है 3.51। फ्रेंड्स, यह 2022 का मॉडल जरूर है, लेकिन 2024 तक यह 5 स्टार रेटिंग वाला ही एसी रहेगा, क्योंकि 3.3 से ऊपर रेटिंग वाले एसी दिसंबर 2024 तक 5 स्टार रेटिंग वाले ही एसी बने रहेंगे। इसकी कूलिंग कैपेसिटी है 5050 वाट की। इसका मतलब है कि अगर आपका रूम मीडियम साइज का यानी कि 120 स्क्वायर फीट से 140 स्क्वायर फीट तक का है तो यह आपके रूम को प्रॉपर कूलिंग देगा। इसमें एक डस्ट फिल्टर मिलता है जिसकी हेल्प से आपको फ्रेश हवा मिलेगी। इसमें आपको सेल्फ डायग्नोसिस का सपोर्ट मिल जाता है। इस एसी में R32 गैस का यूज किया जाता है। इसकी वारंटी की बात की जाए तो 1 ईयर कंप्रिहेंसिव और 10 ईयर ऑन कंप्रेसर वारंटी मिल जाती है। इसके निगेटिव पॉइंट की बात की जाए तो एक निगेटिव पॉइंट है और वो है इसके PCB की कोई वारंटी नहीं मिलती। अब इसके प्राइस की बात की जाए तो 33,500 के आसपास इसका प्राइस है। दोस्तों, एक बात बता दूं कि इन सारे प्रोडक्ट्स के प्राइस घटते बढ़ते रहते हैं। एग्जैक्ट प्राइस के लिए आप इनके लिंक पे जा सकते हैं और इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपको परचेस करना है तो वहाँ से आप परचेज भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे इंडियन ब्रांड्स एसी की, तो वो है ब्लू स्टार की तरफ से 5 स्टार रेटिंग इन्वर्टर विंडो एसी और इसका 2022 एंड 2023 का दोनों मॉडल ही बेस्ट है। फ्रेंड्स, ब्लू स्टार का 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर विंडो एसी के ये दोनों मॉडल काफ़ी अच्छे हैं। इनकी स्पेसिफिकेशन भी लगभग सेम है, बट प्राइस दोनों के अलग हैं। ब्लू स्टार के इन दोनों मॉडल में वेरिएबल स्पीड पर चलने वाला रोटरी कंप्रेसर मिल जाता है, जो 52 डिग्री सेंटीग्रेड के एम्बियंट पर भी वर्क करता है। इनकी दोनों कॉइल 100% कॉपर की हैं और इनके फिन्स के ऊपर एंटी कोरोसिव कोटिंग मिलती है। पावर एफिशिएंसी की बात करें तो यह दोनों ही मॉडल 5 स्टार रेटिंग के साथ आते हैं और इसकी 2022 वाले मॉडल की आइसर वैल्यू है 3.58 और 2023 वाले मॉडल की आइसर वैल्यू है 3.59। देखा जाए तो इन दोनों की आइसर वैल्यू में सिर्फ 0.01 का डिफरेंस है, तो आप इनमें से कोई भी ये खरीद सकते हैं, क्योंकि बिजली की खपत दोनों में लगभग सेम ही रहने वाली है। इनकी कूलिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो इनकी कूलिंग कैपेसिटी है 5000 वाट की, यानी कि मीडियम साइज के रूम यानी कि 120 से 140 स्क्वायर फीट के रूम में इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रहने वाली है। ब्लू स्टार के इन दोनों ही मॉडल में स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन मिल जाता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप कोई अच्छा स्टेबलाइजर जरूर लगवा लें, जिससे कि प्रॉपर वोल्टेज मिलती रहे और प्रॉपर कूलिंग मिलती रहे। इन दोनों ही मॉडल में सेल्फ डायग्नोसिस सिस्टम और R32 गैस मिलती है। इसकी वारंटी की बात की जाए तो 1 ईयर कॉम्प्रिहेंसिव एंड 5 ईयर ऑन कंप्रेसर वारंटी मिल जाती है। यहाँ पे कंप्रेसर की वारंटी वोल्टास एसी के कंप्रेसर से कम है। इसके प्राइस की बात की जाए तो 2022 मॉडल की प्राइस है 38,500 के आसपास और 2023 मॉडल का प्राइस है 40,900 के आसपास। तो फ्रेंड्स, इनके प्राइस में 2500 का फर्क है, चूँकि इनकी आइसर वैल्यू लगभग सेम है। तो मेरे ख्याल से आपको 2022 मॉडल ही खरीदना चाहिए, जिससे कि आपको पैसे में बचत हो जाए। तो दोस्तों, ये थे मेरे दो इंडियन ब्रांड्स के विंडो एसी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको इन दोनों में से कौन सा अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा।
तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।